मेहंदी भाइयों की डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। नो ग्रीन 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 लगाएं या ग्रीन गोल्डन करके ग्रीन गोल्डन ग्रीन गोल्डन लगाते हैं, बहुत ऑन आएगा। अब ये सेटअप जो होगा ना मेहंदी का वो पूरा छत पे होगा, तो जब सेटअप होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बिरयानी बन चुकी है माशाल्लाह, बहुत भूख लग रही है। पार्टियों आज भाई सी यहां पे हो रहा है, माइयों कल परसों मेहंदी है तो माइयों की आज पूरा बेहतरीन सेटअप सेटअप। क्या आइडिया है वो बताओ नम्मो, क्या क्या करना है ये बताओ। अभी गाने नहीं चलाना, अभी बता दो क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। लड़कियां सीधी सीधी लगाओ यहाँ से। हाँ सीधी लगाएंगे या पहले क्रॉस में लगाएंगे? पहले यहाँ से बांध देते हैं, सीधी एक दफा ना यहाँ पे, एक दफा पहले यहाँ से लाइन से बांध देते हैं। छह तो टोटल लड़ियां, ठीक है छह लड़ियां यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे इस तरह से डेकोरेशन चल रही है, ये देखो इधर सामने डांस भी हो रहा है। जल्दी से इसके साथ स्टेप करके दिखाओ कोई। ये याद ना करे। और अगर ये लड़ी उलझी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, फिर तुम उलझ जाओगी किसी ना किसी तरीके से। तो भाई अगर हम लोग ये इसी तरीके से ये सारा लड़ाई झगड़े के साथ कर रहे हैं पूरा सेटअप, तो सेटअप जो है वो आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टियों, हम आ जाओ। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म की बात बताना चाहूँगा कि जद्दा मक्का दम्माम मदीना कहीं पे भी सेंसी के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफर चल रही है, जिसमें आपको फ्री मेकअप प्रोडक्ट मिल सकती है सिंपल ये पांच स्टेप्स करके। पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि आप सेंसी का इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें। दूसरा स्टेप है कि सेंसी के किसी भी स्टोर पर जाएँ और लोकेशन के लिए आप गूगल मैप्स पर सेंसी लिखेंगे ना तो लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। अपनी पसंद की मेकअप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उस प्रोडक्ट के साथ लें एक अच्छी सी सेल्फी और वो सेल्फी अपने पेज पे शेयर करें और टैग कर दें किसको, सेंसी KSA को। आखिरी और सिंपल स्टेप ये है कि वो पोस्ट आप सेंसी की टीम को दिखाएं और ले लें अपना फ्री गिफ्ट। आसान है ना, तो जरा जल्दी से जाओ और जाके अपना फ्री मेकअप प्रोडक्ट लेके आओ। और सुनो, हर चीज का फायदा अकेले उठा लोगी क्या, बेस्टी को भी टैग कर दो साथ लेके जाने के लिए। चलो अब व्लॉग एंजॉय करते हैं। लाइक कर दिया, मुझे डाडा हो रहा था, मैंने यहाँ पे ये इसको पकड़ के फुल हाथ हटाना भंगड़ा कर रहा था, यहाँ से कील निकल गई। अब ये पर दोस्त को 1000 रुपए। मैं मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी, लगाओ कील। खाने की मेहनत मैं जानती हूँ, जाके खाना खाए सब। बन गया खाना? कब का बन गया? लग गया खाना? नहीं यार, फिर और कैसा बनाया खाना और क्या बनाया खाने में? दोपहर में तहरी बनाई, अभी मैंने वो क्या होता है पालक वाली बीफ वाला पालक, इतना ज्यादा मुश्किल होता है बना के। देखिए आप, फिर देखिए सलमान भाई ये कैसी रहेगी? नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी सिर्फ यही लगाओ। ये देखो भाई यहाँ पे अभी हमने मेहनत करके कोई तकरीबन कितने 10 मिनट में हमने छह लड़ियाँ लगा ली, इसमें हमारा 2 मिनट लगे थे और हमें इतनी जल्दी हमें भूख भी लग गई। अब खाना लग गया, हम पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद बाकी की लड़ियाँ वगैरह लगाएंगे ना। आजा आजा खाना खाते हैं फिर लगाते हैं। कैसे बाल बनाएगी मारिया? मैं तो नहीं बनाऊंगी, मेरे कट बना रहे हैं बालों की प्रिपरेशन हो रही है। तुम ना बाहर जो लड़ियां लगी हुई ना उसके साथ खड़ी हो जाओगी तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे तुम खड़ी हो। और वो जो बकरा ईद में गाय के चुनचुने होते हैं ना वो भी लाके देंगे, वो भी लाके देंगे हम मारिया को पहनने के लिए। सबसे पाली लगूंगी मैं माइयो। अच्छा एक तरफ हरा है भाई, वर्सटैलिटी भी तो होनी चाहिए क्या, दोनों तरफ गोल्डन लगा क्या, खाने में क्या मसले हुए क्या? चलो भाई खाना लग गया, आ जाओ। सबसे महंगी गाय का नाम क्या है? खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए, आ जाओ। माशाल्लाह पालक गोश्त बमाए ताहिरी, पालक गोश्त मेरा फेवरेट, जिंदाबाद बिस्मिल्लाह। चलो अच्छा गाय की जरा चल के दिखाओ, गाय की आवाज निकालो। कैसे निकालते हो? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आ जाओ, आओ खाना खा लो। बहुत क्यूट लग रही हो सच्ची में। अच्छा कोई कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मारिया का। चलो ये पकड़ो अपना खूंटा खोल। मारिया तुमने ये जो खाना बनाया ना इतना लजीज, मजा आ गया। तुमने ये जो देखो मेरी प्लेट कैसी साफ हुई हुई एकदम ना मजेदार। चलो भाई खाना खा लिया, दोबारा से डेकोरेशन रिज्यूम हो गई। हाँ क्या देखें, ये हमने ना पहले सोची थी ऐसे ही क्रॉस क्रॉस में कर लें, लेकिन हम बहुत शदीद जहर लग रही थी
तो फिर अब हम नहीं हो लाइन लाइन से लगा दी, बिल्कुल सही। और अब इधर ये जो ये है ना, ये वाली जगह, इस पर हम ये सोच रहे हैं ये लगाएं। और हमारे पास ये ग्रीन कलर की भी है और गोल्डन कलर की भी है, तो स्क्वाश टेप से इसको हम अगर यहाँ पे लगा देंगे तो एक थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। मनु ग्रीन 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 लगाएं या ग्रीन गोल्डन करके? ग्रीन गोल्डन लगाते हैं, बहुत ऑन आएगा। बस ठीक है। दुल्हन और दुल्हन का भाई जो है वो डेकोरेशन के लिए लड़ियाँ अलग कर रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन की बहन और मेरे लिए कौन आए भाई पार्टियों। सीन ये है कि ये वाली जो दीवार है इसमें इन लोगों ने पहले निकाह में लगाई थी, ये वाली ना, इसके ऊपर हमने लगाएंगे अभी ये वाली लड़ियाँ। ऐसे हमारे पास ये रेड है, कौन सा कलर है? येलो और रेड। रेड येलो और रेड के साथ ग्रीन और येलो जो है मिक्स करके लगाएंगे। तो अभी जब ये दीवार लग जाएगी तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि क्या गेम है। और आज पूरी इंशाल्लाह ताला जितनी ज़्यादा डेकोरेशन हो जाएगी वो डेकोरेशन करके फिर उसके बाद फिर हम छुट्टी करेंगे, सही है ना? ठीक है। अच्छा ये अब इधर भाई ये वाला जो पूरी कॉरिडोर पे हमने यहाँ पे ये सारा, मैंने मन्नू नम्मो और फरियाल ने मिल के ये सारा बिल्कुल रेडी कर दिया है। अभी भी हमारे पास ये वाला बाकी है, अभी हम जाएंगे ऊपर और वहाँ पे जाके इसका सारा सेटअप करेंगे। ये देखो दुल्हन हमारे साथ खुद अपनी डेकोरेशन करवा रही है छत पे। ये हमने पूरी यहाँ पे डोरी लगा दी है और ये डोरी जब यहाँ पे डेकोरेशन इस पे लग जाएगी सारी तो फिर इसको हम बाहर लगाएंगे उधर उस जगह पे। ये मेरे हाथ में ये दूल्हा मियाँ भी हमारे साथ ही है। ऐसी कोई कमाल ठंड हो रही है ना इस वक्त तो उंगलियां ठंडी हो रही है। चलो बेहतरीन हो गया यार ये पूरा वहां तक हम समझ रहे थे नहीं आएगा लेकिन बहुत टाइट आया ना, फिट आ गया, फिट आ गया ये तो। अब बस यहाँ पे कील लगा के ना बच्चों नीचे जाओ। ये देखो भाई माशा अल्लाह ये बस बहुत फिट लग रहा था, वो कितना जबरदस्त बात है। अब ये सेटअप जो होगा ना मेहंदी का वो पूरा छत पे होगा, तो जब सेटअप होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे सारा खाने वाने का सेटअप होगा है, बिल्कुल ऊंचा कर दो उसको क्योंकि मुंह के ऊपर ना लगे, ये ना हो कि मुंह के ऊपर आ रही हो लाइट, वो बड़ा अजीब सा ऊपर से पड़े ज्यादा अच्छे, ऐसे ऊपर से भी लगेंगे इंसान की हाइट से ऊंची हो, के लिए स्टैंड्स भी लगेंगे। सही है, फेरी लाइट्स लगेंगी, वो वाली भी लगेंगी, स्टेज पूरा है सब फेरी लाइट्स। बेहतरीन सेटअप होने वाला है, मजे की माइयों मेहंदी होने वाली, मिस नहीं करना वो वाला व्लॉग। ये सारी डेकोरेशन भाई हमने कर ली, इसको प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को माइयों वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं सारा सेटअप लेके। कितने बजे कितने बज रहे टाइम क्या हो रहा है? चार साढ़े चार का टाइम हो रहा है और शदीद भूख लग रही है। खाना एक दफ़ा तो खा लिया था हमने लेकिन दोबारा भूख लग गई है, लेकिन क्या करें करना पड़ी यार। मन्नू यहाँ वाला तो किया ही नहीं अभी, तो बाकी है यहाँ का, तो यहाँ का पूरा इसकी रस्सी खोलते हैं अंदर लगाते हैं फिर उसके बाद कर लेते हैं जब तक खाने वाने की कुछ हो रहा है यार, हाथ के हाथ हो जाएगा ना क्योंकि कल ये पूरा एक टाइम लेगा। चलो फिर यहाँ पे ये वाला भी करते हैं, आ जाओ भाई। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोगों को ना बहुत इंतहा की शदीद भूख लग रही थी, हमने पांडा मार्ट से चिकन मंगवाई, चावल मंगवाए, नमक ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बना रही थी लेकिन गैस चली गई और ये बिल्कुल ये मरी मरी गैस चल रही है। तो अब उसके नीचे हम ये लगा रहे हैं कागज़ कि शायद फिर इससे कुछ हो जाए। ये देखो यार हमारा 5 किलो का, इसमें 2 किलो चिकन, 2 किलो चावल और 1 किलो आलू है, 5 किलो की देग हमारी चढ़ी हुई लेकिन गैस नहीं है। सुबह सुबह अजान हो रही है, भूख ऐसी लग रही है, ओए ओए ओए। अब ये धुआं कौन बर्दाश्त करेगा बेटा? ये क्या हो रहा है? लेकिन भूख तो लग रही है, आग लग रही है। नहीं ये जो नीचे गिर रहा है देखो, दिस इज हाउ वी मेक बिरयानी इन कराची। रखो तुम तो रखो, अब रखा जाए, अब मुझे देख चिंता सुनो माइंड की गैस आ जाएगी। हमारे पास एक और ऑप्शन था यहाँ पे ना, ये बड़ी वाली लकड़ी रखी हुई थी, अरे इस पे लात मारी पटाख, ये 3 टुकड़े हो गए और अब इसके नीचे रख दी कि शायद ये जल जाए। उम्मीद पूरी है अल्लाह की ज़ात से कि हम आज बिरयानी खा लेंगे। ये देखो आज के दिन में खाएंगे। देखो पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, चावल जो है अभी तक नहीं उबले। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि 6:30 तक शायद गैस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मबरूक मबरूक नम्मो, यू आर राइट नम्मो, राइट थी। हम लगे हुए थे सिलेंडर ले आओ, ये कर लो वो कर लो, नम्मो कहते थे थोड़ा सा पेशेंस रख लो गैस आ जाएगी। पेट में चूहे दौड़ रहे, बहुत भूख लग रही है। बिरयानी बन चुकी है, माशाल्लाह बहुत भूख लग रही है।
क्या जिंदाबाद बिरयानी बनाई है आपने, मजेदार। लम्बी इज्जत रख लेना, इतनी दिक्कतों से इतनी मुश्किलों से मैंने आज इतनी तक बिरयानी टेस्टी होगी ना ये आपकी दुनिया में। कह रही हूँ जिंदगी में मेरा दूसरा बिरयानी का तजर्बा है जो इतना ज्यादा फेल होने वाले के करीब था। एक पहला याद होगा मान को कौन सा था। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, बाद में बताऊंगा। कैसी बनी है बिरयानी बताओ सब भाई। नमो, इतना मजा आया ना। चच्ची कह रही है जैसी भूख लग रही थी ना वैसी ही बिरयानी बनी है। भूख लग रही थी मुझे खुद। उफ वाह, ऐसा लग रहा था कि शायद बस खत्म हो गया, अब खाना नहीं मिलेगा, दुनिया में खाना खत्म हो गया। जिस वक्त सिलेंडर खत्म हुआ है ना मुझे ऐसा रोना आया था ना, ऐसा यार पहली दफा सिलेंडर से बुझती हुई देखी थी हमने। देखो भाई बिरयानी कैसी थी ये देखो, ये देख रहे हो प्लेट, इससे अंदाजा लगा सकते हो ये प्लेट से ये देखो इससे अंदाजा लगाओ कि बिरयानी कैसी थी। अरे भाई साहब इतनी सारी नमो, ये देखो ये तुम्हारे लिए सक्सेसफुल एक वो है कि जल्द से जल्द तुम अपनी बिरयानी के ना रेस्टोरेंट खोल लो। हाँ बहुत सारी दे दी तुमने, ये खाएगा पूरी खाएगा खत्म करेगा। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, और मामा भी आ गए। हाँ मामा तुम्हारी बिरयानी पहले निकाल दी थी माशाल्लाह बिलास। चलो भाई पार्टी में आज का दिन खत्म हो रहा है, यहाँ पे सुबह का बज रहा है 8 और हम लोग अब जा रहे हैं घर। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे वाला व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।